हम आ गए मरियम के महल में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो ब्लॉग थोड़ा सा इतना सा बाकी ब्लॉग से ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसलिए आपने जोधा बाई के बारे में तो सुना होगा, अभी तक मेरे जो ब्लॉग डल गए हैं उनके बारे में भी पता ही होगा आपको, लेकिन उनके जो सेकंड और फर्स्ट वाइफ थी उनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि उनका महल कैसा था या वो कहाँ रहा करती थी। तो मेरे पीछे अभी आप जो महल देख रहे हो ये है मरियम का महल, जो कि अकबर की सेकेंड वाइफ थी। तो आज रूबरू होते हैं इस प्यारे से महल से। उतना बड़ा तो नहीं है उनका ओहदा और इतना बड़ा नहीं है उनका महल, पर ये है बहुत ही प्यारा। जो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको इसको अंदर से। और सीरियसली बोलूँ ना तो मेरे पैरों में आज बहुत दर्द हो रहा है घूम घूम कर। तो यार इतनी मेहनत के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अच्छा लगे तो। और ये हम आ गए मरियम के महल में। तो मरियम का महल आप देख सकते हो कि इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था आपका जोधा बाई वाला, जोधा बाई के महल का, तो जोधा बाई का जो महल है उसके मुकाबले ये उतना बड़ा तो नहीं है, पर आप देखोगे कि उनकी जो सेकंड वाइफ थी मरियम उनका है ये। ऊपर की साइड में अगर आप नज़र मारोगे थोड़ा सा जो आपको दीवारें दिख रही हैं, तो इस पर पहले के टाइम में जो फोटोज़ या सीनरीज पेंटिंग्स वगैरह थी उनकी वो थी यहाँ पर। अभी ये थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई हैं इस वजह से। और आप देखोगे ऊपर के साइड में तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस महल को भी बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। और उतना बड़ा नहीं है जितना कि जोधा बाई का महल है। जोधा बाई का महल काफ़ी बड़ा है, पहले वाले ब्लॉग में आप जाके देख सकते हो उनका भी महल। और ये है मरियम का महल। तो दूसरे साइड की बात करूँ तो देखिए आप यहाँ से जो है दो साइड से आप देख रहे हो सीढ़ियाँ गई थी छत के लिए, जो कि अभी बंद है फ़िलहाल में, अभी तो इनमें कोई जा नहीं सकता, गवर्नमेंट के साइड से ये लॉक है। और ये आप देख सकते हो पूरा, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनकी जो उस टाइम में जितनी भी रानियाँ थी या कोई भी थे, तो उनके सबसे ज़्यादा जो किया गया था उसका ख्याल रखा गया था हवा का। तो हवा अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से आपको खुला हुआ मिलेगा, हर महल किसी भी महल में आप चले जाओ वो आपको खुला ही मिलेगा। और मैं बात करूँ इस महल की तो ये भी बहुत शानदार बहुत खूबसूरत महल है। ये है सेकंड वाइफ मरियम का। उनकी फर्स्ट वाइफ रुकैया की बात करूँ तो उससे भी उनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, और वो भी उनकी लव मैरिज थी, उनकी पसंद से निकाह हुआ था। तो चलिए मैं उनका भी महल आपको दिखा देती हूँ कि रुकैया बेगम कहाँ रहा करती थी। तो अभी आपने देख लिया मरियम का महल, तो मरियम बेगम का तो मैंने आपको दिखा दिया, चलिए अब रुकैया बेगम के साइड भी चलते हैं और देखते हैं उनका भी महल। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया जो अकबर की मरियम थी उनका महल, अब मैं हूँ तुर्की की सुल्ताना अकबर की बेगम का महल, यानी कि रुकैया बेगम। तो चलिए देखते हैं इस एक कमरे वाले महल को भी जो उनका था। तो यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत बालकनी थी, और थोड़ा सा अगर अंदर के साइड में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो पत्थरों पे कितनी अच्छी से डिज़ाइन दे रखे हैं यहाँ पे, कितनी बारीकी से। थोड़ा सा अंदर के साइड में आते हैं अगर, तो इनके महल की एक बहुत ही अच्छी बात है कि चारों तरफ बालकनी दे रखी है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो अंदर के साइड में आप देख सकते हो उनका ये एक कमरे का महल था, पर बहुत ही खूबसूरत था। डिज़ाइन आप देख सकते हो किस तरह से इसमें डिज़ाइन दे रखे थे पूरे कमरे में, और बिल्कुल खिड़की वाला था, बहुत ही प्यारा कमरा था उनका ये, और बीचों बीच था और काफ़ी आरामदायक और एयर के लिए बहुत अच्छा था। चारों तरफ से हवा वाला था। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से तराशा गया है इस पत्थर को और किस तरीके से इस पर पेंटिंग बनाई गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे तो। आपको भी ऐसी अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। हर दीवार पे नीचे के साइड में इसी तरीके की आपको पेंटिंग मिलेगी, अंधेरे की वजह से वो आपको शायद ना दिखे, लेकिन ऐसी चारों तरफ उन्होंने पेंटिंग करवा रखी है। दोस्तों रुकैया बेगम का जो एक कमरे का महल था प्यारा सा, वो मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है, और बाहर की साइड में आप प्यारी सी बालकनी
और ये प्यारी प्यारी हवा को महसूस कर सकते हो इस वीडियो के उस पार से भी जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। और बहुत ही प्यारा उनका ये कमरा था, बहुत खूबसूरत था। किस तरीके से बना हुआ है आपको मैंने दिखाया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और उनका ये कक्ष कैसा लगा। और मुझे बताइएगा कि अकबर की जो 3 रानियाँ थी उसमें से आपकी फेवरेट वाली कौन है, क्योंकि मुझे तो सारी अच्छी लगती है पर आप मुझको अपनी एक फेवरेट बताइएगा कि कौन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।